सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ग्रिल इंटस एलएस सिरप के बारे में बात करेंगे। हम बताएंगे इसके ढेर सारे फायदे के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में और ये किस कंपनी द्वारा बनाई जाती है, इसके प्राइस क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक और इस वीडियो का फायदा उठाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंट को 10 गुना बढ़ा देता है इसी तरह की और भी अच्छी वीडियो दोबारा बनाने के लिए। तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की अच्छी वीडियो लाता हूं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक बड़ा सा कागज का कॉटन दिख रहा है जो कि ग्रिल इंटस एलएस सिरप है। बात करें दोस्तों इसके कंपोजिशन की, तो इसमें लिबोसल्बुटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्साल हाइड्रोक्लोराइड एंड गोफेंसिन, इसमें ये तीन साल्ट हैं जो कि एक बेहतरीन कफ सिरप की पहचान होती है। साथ ही दोस्तों, बात करें इसके फायदे की, तो दोस्तों ये अस्थमा और निमोनिया के पेशेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन ये सिरप माना जाता है। साथ ही दोस्तों, इसके कंपनी पे नजर डालें तो ये लेबोरेटरीज ग्रेफोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है जो कि इजिली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि निमोनिया और अस्थमा के पेशेंट में इस ग्रिल इंटस एलएस सिरप को दिया जाता है। जैसे कि निमोनिया होने पे क्या समस्याएं नजर आती हैं दोस्तों, अगर निमोनिया बड़े हों या बच्चे हों, अगर उन्हें निमोनिया की शिकायत हो जाती है तो वो जब खांसते हैं तो खरखराहट की आवाज आती है। साथ ही दोस्तों, अगर वो सांस लेते हैं तब भी खरखराहट की आवाज आती है। कफ उनके सीने पे जकड़ा रहता है जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और सीना भारी भारी सा लगता है और सांसें भी फूलती हैं यानी कि सांसें तेज चलती हैं। तो ये दोस्तों निमोनिया के लक्षण हैं जो कि निमोनिया होने पर इस तरह के लक्षण बड़े हों या बच्चों में देखी जाती है। साथ ही दोस्तों, बात करें अस्थमा के लक्षण के बारे में, तो दोस्तों अस्थमा की जिनकी समस्या होती है यानी कि दमा की जिनको समस्या होती है उनकी भी सांसें ज़्यादा फूलती हैं यानी कि सांसें तेज चलती हैं और सांस तेज चलने के साथ साथ उन्हें खांसी की भी शिकायत होती है। साथ ही उन्हें सीने में खरखराहट भी बना रहता है, तो ये अस्थमा के लक्षण होते हैं। दोस्तों, इन दोनों कंडीशन में ये ग्रिल इंटस एलएस सिरप का रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। साथ ही निमोनिया में दोस्तों, अगर बच्चों को या बड़ों को खांसी एक एक दो दो मिनट तक लगातार आ रही है और कफ भी बहुत ज्यादा निकल रहा है तो उन कंडीशन में इस ग्रिल इंटस एलएस सिरप को दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, अस्थमा के पेशेंट में भी इस ग्रिल इंटस एलएस सिरप का रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। दोस्तों, ये सूखी खांसी के लिए नहीं होता, यानी कि जिन्हें ड्राई कफ की समस्या होती है उन तरह के पेशेंट को नहीं दिया जाता। ये ओनली निमोनिया और अस्थमा के पेशेंट को ही दिया जाता है जिनकी सांसें तेज चलती हैं, खरखराहट की आवाज आती है, जो कि आले द्वारा उसे जांच करके डॉक्टर लोग पता कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें लिबोसल्बुटामॉल दिया गया है जो कि सांसों के रफ्तार को कम करता है। एम्ब्रोक्साल दिया है जो कि कफ को सीने से निकालकर बाहर करता है। इस तरह करके इसके फार्मूले जो वर्क करते हैं बॉडी के अंदर और मरीज को जल्दी राहत मिल जाती है भयंकर से भयंकर खांसी में। तो दोस्तों, बात करें इस ग्रिल इंटस एलएस सिरप के बॉटल की साइज की, तो ये दोस्तों फिलहाल मेरे पास 60 ml का है और मार्केट में आपको ये 100 ml के बॉटल में भी उपलब्ध मिल जाता है। दोस्तों, बात करें इसके डोज की, तो दोस्तों एडल्ट में इसे 10 ml दिन भर में 3 बार लिया जाता है और बच्चों में जैसे कि 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन्हें 5 ml दिन भर में 3 बार दिया जाता है। बात करें दोस्तों इसके अंदर की रखी हुई पैकिंग की, बॉटल की पैकिंग की, तो वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है जो कि कांच की बॉटल होती है, इसलिए इसे कभी भी इस्तेमाल करें तो केयरफुल तरीके से इस्तेमाल करें, नहीं तो बॉटल हाथ से छूट जाएगी और सारी मेडिसिन खराब हो जाएगी बॉटल के टूटने से। साथ ही इसे इसमें कैप आपको दिया जाता है जो कि डोज डिवाइड करने में काफी अच्छा होता है, जो कि 10 ml का ये कैप होता है, प्लास्टिक का कैप होता है। बात करें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की, दोस्तों इसका कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं है, बट इसके लेने से सुस्तीपन बना रहना,
और नींद आना या चक्कर आना, दोस्तों इसका ओवरडोज कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। ओवरडोज देने से बहुत से लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, यानी कि चलने में लड़खड़ाने लगते हैं और व्यक्ति गिर भी सकता है। तो इसलिए ओवरडोज से बचें। डॉक्टर जितने ml आपको बताया है उतने ही ml इस ग्रिलिंटस LS सिरप को पिलाएं। तो ये था दोस्तों ग्रिलिंटस LS सिरप के बारे में सब कुछ। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।